ओम साई राम, जय साई राम। आपकी साईंगीता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो साईं भक्तों, मैं आपको आए दिन बाबा के नए नए अनुभव बताती रहती हूँ, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा चल रहा है तो हम लोग मंदिर नहीं जा पा रही हूँ और बाबा के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन भक्तों के बहुत सारे ऐसे अनुभव आ रहे हैं कि मैं आपको उनके अनुभव बताना चाहूँगी। एक भक्त जिनके ऊपर बाबा ने इतनी बड़ी कृपा की, इतनी कृपा की कि उनको अपनी शरण में लिया और बिल्कुल ठीक कर दिया। तो साईं भक्तों, मैं साईं बाबा की उदी का एक आपको अनुभव सुनाना चाहूँगी कि बाबा ने अपने भक्त पर कैसे कृपा की। विनोद जी एक रेलवे में कर्मचारी थे और बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन भाग्य को जो मंजूर होता है वही होता है। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार होते होते उन्हें पता लगता है कि उनको कैंसर है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी वाइफ बहुत रोती हैं कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे कैंसर हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनका इलाज करवाऊँ। उन्होंने बहुत सारी जगह उनका इलाज करवाया साईं भक्तों, लेकिन जब वो इलाज जगह जगह करवाने गई कैंसर का, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं बॉम्बे में जो हॉस्पिटल नामी है कैंसर का हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्होंने इलाज करवाया। जब बहुत वहाँ पर वो कम से कम 6 महीने रहे, लास्ट में डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको ले जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। उनको तो नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन उनकी वाइफ बहुत रोती हैं और वो कहती हैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन उन्हें पता था कि ये सही कौन कर सकते हैं। उन्होंने बाबा साईं के बारे में बहुत सुन रखा था, लोगों से सुना था कि बाबा साईं हर किसी की मन्नत पूरी करते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना ऐसे करें, हॉस्पिटल वालों ने तो जवाब दे दिया है, तो घर जाने की बजाय क्यों ना मैं बाबा के दरबार शिरडी जाऊँ। तो वो बाबा के दरबार शिरडी आती हैं और अपने हस्बैंड को एक होटल लेती हैं, वहाँ रखती हैं और खुद जाके बाबा के दर्शन करती हैं। वहाँ से बाबा की उदी लेके आती हैं, चंदन बाबा का स्नान जल लेके आती हैं। और उन्होंने ये नियम बना लिया था सुबह जाना बाबा के दरबार में और वहाँ से उदी लेके और बाबा का स्नान का जल होता है वो लेके आती थी और वो अपने हस्बैंड को जल पिलाती थी और उदी जल के साथ देती थी। उस दिनों में वो थोड़े विनोद जी ठीक होने लगे। जब विनोद जी ठीक होने लगे तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज मैं भी बाबा के दरबार में चलना चाहूँगा। तो वो धीरे 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 बाबा के दरबार में मत्था टेकने चले जाते हैं। फिर कुछ दिन होते हैं तो और ठीक हो जाते हैं। जब कुछ दिन होते हैं, कम से कम वो शिरडी में 1 महीना रहे और 1 महीने के अंदर उन्होंने डेली उदी और डेली बाबा के स्नान का जल पिया। तो जब वो थोड़े ठीक होने लग गए, जब बिल्कुल उनको लगा कि ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक होता जा रहा हूँ बाबा की रहमत से, उन्होंने कहा कि जो सबने मना कर दिया, डॉक्टर तक ने मना कर दिया, वो मेरे साईं ने ठीक किया मुझे। फिर भी उनकी वाइफ ने कहा कि एक बार चेक करवा लेती हूँ मन की शांति के लिए कि ये अब ठीक है। उन्होंने जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर अब कैसे हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज़ की आप टेंशन ले रही थी वो चीज़ अब इनको नहीं है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा अचंभे में होती हैं और कहती हैं कि बाबा, वो रोने लग जाती हैं, कहती हैं बाबा आप ऐसे कर्म करते हो कि मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दिया। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि हाँ, कि डॉक्टर ने आपके लिए जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इनकी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपके साईंनाथ ने, मेरे साईंनाथ ने सही की है। जब उन्होंने, विनोद जी ने ये सुना, उन्होंने अपने रेलवे की नौकरी छोड़ के बाबा का संग पकड़ा, बाबा की कथाएं करने लगे, बाबा के बारे में बताने लगे, बाबा की जगह जगह प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बाबा के चरणों में लगा दिया। तो ऐसे भी साईं भक्त हैं,
बाबा उनके कैंसर तक ठीक कर देते हैं। तो हर बीमारी का इलाज है बाबा के पास। आपने साईं सचित्र में देख पढ़ा होगा साईं भक्तों कि बाबा वैद्य थे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी बाबा के पास आते थे, किसी की आइज खराब हो, आइज में जलन हो रही है तो बाबा ठीक कर रहे हैं, किसी को दौरे पड़ रहे हैं तो बाबा ठीक कर रहे हैं, किसी को गिल्टियाँ निकल आई हैं बाबा खुद दिखाते थे कि ये देखो मैंने अपने भक्तों के लिए सब कुछ सहता हूँ। तातिया जो बाईजाम आके बेटे थे उनके लिए तो बाबा ने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। तो साईं भक्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि जो ये समय चल रहा है आप बाबा का स्नान कराती हैं, स्नान जल जो निकलता है चरणामृत वो आप पूरे घर में छिड़कें और आप उसको जल पिएं और ऊदी मिला के, ये देखिए मैं सारा दिन बाबा की ऊदी पीती रहती हूँ, इसमें मिला के एक बोतल भर के और इसमें ऊदी मिला के मैं रखती हूँ 24 घंटे, जिससे मैं सारे दिन जब भी पीती हूँ मैं यही वाला जल पीती हूँ, जिससे मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बनी रहे, कोई मुझ पर संकट ना आए, कोई बीमारी मेरे अंदर प्रवेश ना करे। तो साईं भक्तों मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास बाबा की ऊदी है तो आप एक बोतल भर के बाबा की ऊदी वाला जल रखें और उसको पीते रहें, और बाबा का जो जो जल है, अगर कोई बीमार है या कोई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, आप बाबा का चरणों का जल पिलाएं, बाबा का स्नान का जल पिलाएं, बाबा की ऊदी का जल पिलाएं, तो वो बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाबा के ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि मैं आप मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन बाबा की अनुभव कभी ख़त्म नहीं होंगे, बाबा के अनुभव चलते रहेंगे। तो साईं भक्तों आज मैं ये आपको मैंने बाबा का एक अनुभव बहुत प्यारा सुनाया, अब आगे मैं आपको एक और ऐसा अनुभव लेके आऊँगी जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनको पहचानते भी हैं आप सभी साईं भक्त, तो उनके बारे में मैं आपको कल बताऊँगी। तो आइए इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। और हाँ साईं भक्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।